बिल्डिंग नंबर 6 बी विंग न्यू महाड़ा कॉलोनी के इस बिल्डिंग में मुंबई पुलिस कर्मियों के परिवार रहते हैं। दरअसल ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो गई है। अक्सर इमारत का कोई न कोई हिस्सा गिरता रहता है। बीती रात भी इमारत का एक हिस्सा गिरा, जिसके कारण बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं। सरकार ने मुंबई पुलिस कर्मचारियों को इसी बिल्डिंग में रहने के लिए फ्लैट्स दिए हुए हैं। बिल्डिंग तो बिल्डिंग के फ्लैट के अंदर की हालत भी बेहद खस्ता है। हर महीने पुलिस कर्मियों की सैलरी से सरकार मेंटेनेंस तो काट लेती है, पर इनके घरों की मरम्मत नहीं करवा रही है। तकरीबन 9:30 बजे हम खाना खा रहे थे, तभी थोड़ा सा धमाका हुआ और सब स्लैब ही नीचे गिर गया। देखा तो सब नहीं, चोट तो सुबह से तो थर्ड फ्लोर से गिर ही रहा था, फिर भी मैं फिर कॉल किया और देखा तो सब निकल गया था आगे का हाल। बिल्डिंग में रहने वाली पुलिस कर्मियों की पत्नियों का कहना है कि इमारत जर्जर होने की बात वो समय समय पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बताते रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस जर्जर इमारत में रहना मानो इन पुलिस कर्मियों के परिवार वालों की मजबूरी बन चुकी है। इनका कहना है कि इनके पति ज्यादा से ज्यादा समय तक ड्यूटी पर रहते हैं, ऐसे में उनका ध्यान घर पर कम और काम में ज्यादा होता है। पुलिस कर्मियों के परिवार वालों ने सरकार से घर ठीक करने की गुजारिश की है। पीडब्ल्यूडी के अंडर हमारा कंस्ट्रक्शन आता है, फिर भी हमको कुछ हेल्प नहीं मिलती वहाँ से। 10-11 बार तो कंप्लेंट कर चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं, रिस्पॉन्स तो कुछ भी नहीं। हाँ, हमेशा गिरती रहती है, फिर भी हम अभी क्या कर सकते हैं, हमको दूसरा कुछ चॉइस नहीं है, तो रहना ही पड़ता है ना। हर किसी को अपने घर की चिंता होती है। जिस तरह से बिल्डिंग का हिस्सा गिरता रहता है, कहना गलत नहीं होगा कि मॉनसून और खराब मौसम के दौरान इन पुलिस कर्मियों के परिवार वालों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन राजेश के साथ शमा खान, द टाइम्स 24/7 न्यूज़, मुंबई।